चलें स्टार्ट है। नमस्कार साथियों, मैं हरिराम कुमार आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हाईटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज जो अब हम बात करेंगे, सेकेंड इंपॉर्टेंट सोलनेसियस क्रॉप है जिसका नाम क्या है, टोमेटो। क्या है? सबसे पहले अपन 10 मिनट वही सेम चर्चा, एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पॉइंट आने वाले हैं, कौन सी फैमिली, इसमें क्या लिखा हुआ है। देखो फुल डिटेल दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पढ़ेंगे, तो आज कॉपी किताब बंद करके पढ़े हैं, कुछ नहीं लिखना पड़े। देखो टमाटर कैसे पढ़ते हैं, बंद कर दे, सही यकीन कर, एकदम सब पढ़ा हुआ चीज है। नाम में तो कुछ कर नहीं पाऊंगा, सॉरी दोस्त। क्या है नाम इसका? और दूसरा नाम लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। एक तो ये पहले वाले नाम है, ये लिखे हुए रहते हैं, इसको लिखाने से कोई जरूरत नहीं। अब आजकल हम इसे क्या बोलते हैं, उसे सोलेनम स्कुलेंटम। ध्यान रखोगे क्या बोलते हैं इसको, बताओ। सोलेनम एस्कुलेंटम, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम भी कहते थे प्रीवियस, अब हम इसको क्या बोलते हैं बताओ, सोलेनम एस्कुलेंटम। बंद करने थे मुझे, ठीक है। इसका फैमिली क्या होगा जल्दी से बताओ, सोलेनेसी 2n की संख्या कितनी होगी, 24 आलू का, 24 बैगन का, 24 टमाटर का, 24 उसके बाद मिर्च का, 24। आलू एक चतुर्थ गुणित है, इसीलिए उसके गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 48। कितना होगा, 48। तो ये पॉइंट आप कर चुके हो। अगर इसकी उत्पत्ति की बात करें, ओरिजिन की बात करें, तो इसका उत्पत्ति कहां आ जाएगा बताओ, पेरू, या हम कह सकते हैं साउथ अमेरिका। कहाँ आएंगे बताओ, साउथ अमेरिका। ये सारे पॉइंट आपको लिखे हुए हैं, तो इसलिए आप जल्दी जल्दी इसको समझ जाना। ये नहीं, देख मैं बता देता हूं पहले, ये लिखा हुआ है, घबराना नहीं, ये लिखा हुआ है, मैं दिखा देता हूं बच्चों को, ताकि आप ये नहीं, सर पूरा नहीं लिखे, सोलेनम लाइकोपर्सिकॉन, नोट्स बनाता हूं गुरुजी, लाइकोपर्सिकॉन नहीं आ रहा है लिखने, ये आते होंगे समस्या आप में, क्यों कई बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार पढ़ेंगे उसको दिक्कत आ जाएगा। तो ये सब लिखे हुए हैं, पर इस पे अपने बहस नहीं करेंगे, ठीक है, इधर ही चलता हूं, ये अच्छा भी लगेगा पढ़ाने में। हाँ ठीक है, अब बताओ क्या क्या चीज आपने, बताओ बोटनिकल नेम क्या हो जाएगा, लाइकोपर्सिकॉन एस्कोलेंटम कर लोगे। दूसरा 2n की संख्या इसकी कितनी है, 24। ओरिजिन की बात करें तो वो क्या है, पेरू। अगर आ जाए साउथ अमेरिका तो हम टिक करेंगे साउथ अमेरिका, एकदम छोटी छोटी सी बात कर लेते हैं इसके। अगर इसके फल प्रकार की बात करें, जिसे हम कहते हैं फ्रूट टाइप, क्या बोलते हो, फ्रूट टाइप, फल प्रकार की बात करें, तो इसका फल प्रकार होगा दोस्त बेरी। पहले आप 5 मिनट तो पुराने क्वेश्चन, बेरी फल प्रकार क्या होगा, बेरी। अब आते हैं इंपॉर्टेंट, ये जो है जो भाग, ये इसकी मेन कैरेक्टर, इसे हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स। क्या बोलोगे, तो कैलिक्स इसका मेन पार्ट। अब आ जाएगा टमाटर के 3 रंग पूछेंगे, एक तो टमाटर का पूछ लेगा हरा रंग, एक ही जानती है लाल, तो लाल नहीं लिखूंगा मैं, सबसे पहले ग्रीन, उसके बाद मान लिया जाए पूछ लिया पीला रंग, पीला रंग टमाटर का किसके कारण, उसके बाद पूछ लिया टेंजरीन। हाँ गुरुजी, रंग भी होते हैं? नहीं होता नहीं, जो तुम जानते हो वही रंग है केवल, हम तो एक ही जानते हैं टमाटर क्या है, बस हो गया। 4 क्वेश्चन तो यहां से बन जाएंगे, टमाटर का हरा रंग किसके कारण, नहीं पता सर, टमाटर का पीला रंग किसके कारण, नहीं पता गुरुजी, टमाटर का पूछ लो इन भाइयों से, लाल रंग, लाइकोपीन। अरे भाया लाइकोपीन, ये बल लिखो सर, यही है इम्पोर्टेंट, लाइकोपेन के कारण। अब कोई भी टमाटर की अगर हम बात करें आपसे, इस पे हम चर्चा बाद में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं इमेज नहीं दिखा पा रहा हूँ, आपके लिए इमेज लाया हूं, तो ये यहाँ चर्चा करेंगे, ठीक है। तीनों चारों रंग कैसे होते हैं, यहाँ अभी आप छोड़ दो, क्योंकि ये तो बेसिक पॉइंट पढ़ रहा हूं ना, लाइकोपीन इसका मेन पॉइंट बनते हैं जिससे प्रश्न आता है, अच्छा तो वो हम एक जगह करेंगे। तो एक तो ये बनेगा इसके किसके, रंग के कारण, कि
प्रोक्लोरोफिल क्या होते हैं, क्लोरोफिल क्या होते हैं, कैरेटिनोइड्स क्या होते हैं, लाइकोपीन क्या होते हैं, कितने डिग्री पे लाइकोपीन का संश्लेषण होगा, कितने डिग्री पे इसका संश्लेषण रुक जाएगा, ये सारे प्रश्न बनेंगे अच्छे किससे, लाइकोपीन। तो लाइकोपीन अभी आप छोड़ दो। अब हम आ जाते हैं इसमें, एक इसमें होगा बीज, क्या होगा टमाटर के अंदर जब जाओगे तो क्या क्या होगा इसके अंदर, एक तो गुदा होगा और इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, सीड मिलेंगे बीज के। तो प्रवर्धन किसके द्वारा आप करोगे, तो प्रवर्धन हम करेंगे किसके द्वारा, प्रोपगेशन हम करेंगे दोस्त इसका किसके द्वारा, बीज के द्वारा। किसके द्वारा करोगे, और बीज के द्वारा करोगे तो आपको बीज दर पूछ लेगा कि बीज दर कितने होंगे। तो बीज दर आपको सोलेनेसी में मैं करवा चुका हूं कितना, 400 से लेकर 500 ग्राम। और अगर हाइब्रिड की चर्चा करें तो हाइब्रिड अपना कितना होगा बताओ, 150 ग्राम के आसपास। कितने बीज दर होंगे, 150 से लेकर 200 ग्राम के आसपास भी हो सकते हैं, 150 ग्राम अपन बीच बीच वाले याद रख लेंगे। किसके बीज दर की बात किया है बताओ, हाइब्रिड के बीज दर। ऐसे बीज दर कितना होगा इसका, 400 से लेकर 500 ग्राम। अगर इसका स्पेसिंग की बात करें तो स्पेसिंग मैंने पहले बता दिया था कि इसकी दूरी कितना रखेंगे, इसका दूरी आप रखोगे 60 इंटू कितने, 45 सेंटीमीटर। कितना रख लेंगे, 60 इंटू 45। ये बेसिक पॉइंट है जो सबको आता है, सबको पता है। अब इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी और मैं देना चाहता हूं, ये टमाटर है इसके रस को ऐसे निचोड़ दिया, तो रस जब निचोड़ोगे ना तो इसको बोलते हैं रस का पीएच। किसका पीएच बोल रहा हूं, देखो ध्यान रखना, रस का पीएच, जूस पीएच, रस का पीएच, टमाटर के रस का पीएच, नॉट सॉइल पीएच, ध्यान रखना। किसकी पीएच की बात किया है, इसके रस का पीएच। तो इसके रस का पीएच होते हैं 4 से लेकर 5 के बीच। कितने होते हैं बताओ, पूछेगा टमाटर जो जूस होते हैं उसकी पीएच कितने होते हैं, 4 से 5। अब बताओ इसके अंदर का मामला क्या है, एसिडिक। अंदर का मामला क्या है, एसिडिक, यही प्रश्न बार बार पूछेंगे, टमाटर के अंदर का मामला क्या है, एसिडिक। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, ये जो टमाटर बनाया तो इस टमाटर के अंदर का मामला हो गया कैसा, एसिडिक। कैसा हो गया, एसिडिक। और ये जो एसिडिक नेचर हुआ जिसका पीएच अभी आपने बताया गुरुजी, पीएच होगा इसका 4 से 5, इसीलिए आप ज्यादा टमाटर खाओगे ना तो वो एसिडिक पैदा करेगा, क्या करेगा, एसिडिक पैदा होगा। तो ये एसिडिक अम्लीय होते हैं, ये किसके कारण, तो इसका कारण आपसे पूछ लेगा कि टमाटर के अम्लीय होने का कारण बता दो मुझे, तो इसका कारण आप बोलोगे, इसका कारण होते हैं सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, टमाटर में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब सबसे अच्छा जो प्रश्न लिख रहा हूं, टमाटर को हम कहते क्या है, अब प्रश्नों की ओर चल जाते हैं, नाम बेसिक हो गया, तो टमाटर का आपसे पूछ लेगा उपनाम। क्या पूछेगा बताओ, उपनाम। तो क्या क्या कहते हो इसे उपनाम, तो इसे हम कहते हैं गरीबों का संतरा, ये इजी प्रश्न है, इस पे अपन जोर नहीं देंगे, कहते हैं तो कहते हैं, गरीबों का संतरा हो गया। इसे लव ऑफ इंग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, लव ऑफ इंग्लैंड के नाम से जानोगे, और एक दो नाम है क्या, बिलायती बैगन, बिलायती बैगन के नाम से जानते हैं, चलो ये तो कॉमन नेम। अब जो टमाटर है ना इसे कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड, ये समझना अच्छा, प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड का मतलब वो भी कैसा प्रोटेक्टिव फूड है, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब इसको पूरा विश्व मानता है कि टमाटर जो है ना सबसे प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव का मतलब क्या होता है जानते हो, कि बीमारियों से ये क्या करेगा, बचा। प्रोटेक्टिव का मतलब सुरक्षित भोजन, सुरक्षा करने वाला भोजन, क्या कहते हैं इसको बताओ, शरीर को सुरक्षा प्रदान करने देने वाला भोजन, देने वाला भोजन, फूड। वो कौन है बताओ, तो वो है टमाटर। अगर आपके एग्जाम में आता प्रोटेक्टिव फूड है, मैं लिख देता हूं, अगर ऑप्शन आता वेजिटेबल्स फ्रूट्स और ऑप्शन रहता बोथ, तो हम टिक क्या करते, बोथ, दोनों को हम कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड। ऐसा भोजन
जो शरीर को बीमारियों से बचाता है उसे हम क्या बोलते हैं बताओ? प्रोटेक्टिव फूड। भाई प्रोटेक्टिव फूड कौन है? जो हमें लड़ने की क्या दे, बीमारियों से ताकत दे। तो फल में भी ताकत है और किसमें है? सब्जियों में। लेकिन अगर आपका दूसरा ऑप्शन ऐसे रहता, अगर ऑप्शन रहता वेजिटेबल्स भी है और फ्रूट भी है और इधर ले लेता हूं अनाज वाले भी रहता, अनाज वाले, और एक मैंने बताया था तिलहन रहता, तिलहनी यानी सरसों पी लो आप, बाजरा खा लो, फल खा लेते हैं, केला खा लो, टमाटर खा लो। अभी चारों में प्रोटेक्टिव फूड कौन है? तो ये कौन है? वेजिटेबल्स। टिक कौन करेंगे? अब वेजिटेबल्स के अंदर ऑप्शन रहता देखो ऐसे कौन कौन रहता? पहला रहेगा टमाटर, दूसरा रहता इंपोर्टेंट आलू, तीसरा रहता अपना मिर्च, और चौथा रहता मान ले जाए आंवला। एक इधर से भी ले लेता हूं, तो हम किसे टिक करेंगे? समझ में आ रहा है ना? ये तीन प्रश्न बनते हैं इंपोर्टेंट किसके लिए? प्रोटेक्टिव फूड। तो अल्टीमेट जो एम है, यूनिवर्सल प्रोटेक्टिव फूड, वो कौन है? टमाटर। अब आते हैं गुरुजी, ऐसा इसमें क्या है कि ये यूनिवर्सल प्रोटेक्टिव फूड माना जाता है? तो मेन टॉपिक यहां से ये समझने का है, प्रोटेक्टिव फूड। ये समझ गए यहां तक? कुछ स्क्रीनशॉट लेना है, बाद में देखोगी तो। चले अब आ जाओ। अब देखो इसको, एक सबसे अच्छा इसका पॉइंट बताता हूं। प्रोटेक्टिव फूड कहने का मतलब ये ना, एक और है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल या कह सकते हो मोस्ट एक्सेप्टर, यूनिवर्सल मोस्ट एक्सेप्टर, सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किए जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट, या हम कह सकते हैं टमाटर में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाया जाता है, ऐसे लिख सकते हो। टमाटर में, टमाटर में कौन सा गुण पाया जाता है? गुण, प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी क्या है? एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? एंटी का मतलब होता है रोकना। किसको रोकना? ऑक्सीकरण होने से रोकना, यानी ऑक्सीकरण से बचाव। ऑक्सीकरण से क्या है? बचाव। और मैंने गांव की भाषा में बताया था ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जलना। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? जलना। और जलना का मतलब होता है श्वसन। हमारे शरीर में हवा इर्द गिर्द आ रहे हैं, इसका मतलब हमारे आयु कम हो रहे हैं। ये कैमरा है ना हवा में, इसकी आयु कम हो जाएंगे। ये हवा बड़ा चीज, ये घड़ी बार बार हवा से मुलाकात कर रहा है ना, इसकी आयु कम हो जाएंगे। ये सोना हवा से मुलाकात कर रहा है, सोने को भी जीने नहीं देगा हवा। हवा में बहुत ताकत होते हैं, इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण जब बोले तो क्या समझोगे आज के बाद? कि हवा किसी को नहीं छोड़ेगा, हवा सबको क्या करेगा? जलाएगा। अब जलाने के लिए इसके ऊपर परत चढ़ा देते हैं कि अरे वो भाई हवा से डायरेक्ट संपर्क में नहीं आना, डायरेक्ट संपर्क में आओगे पागल जला देगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। लोहा के ऊपर पेंट चढ़ा देते हैं इसीलिए, क्योंकि हवा के डायरेक्ट संपर्क से क्या करते हैं? रोक देते हैं। क्योंकि डायरेक्ट अगर लोहा से संपर्क करेगा तो बार बार जुड़ जुड़ के फिर पानी आएगा, हवा आया, पानी आया, मिल करके जंग लग जाएंगे। क्या हो जाएगा? तो लोहा की ताकत क्या हो जाएंगे? यही तो है ऑक्सीडेशन। ये क्या है? ऑक्सीडेशन। अब है एंटीऑक्सीडेंट, यानी ऑक्सीडेशन होने से रोकना है, बचाव करना है। ये कौन सा सब्जी करते हैं सबसे ज्यादा बताओ? टमाटर। यानी आपकी आयु को बढ़ाएगा, इस आयु को, इसीलिए इसे एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं ना। कौन सा विटामिन है एंटीऑक्सीडेंट अगर पूछा जाए तो? विटामिन सी। कौन सा ऑक्सीडेंट? विटामिन सी। और पूछेगा किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है? एक नया प्रश्न बता रहा हूं ना, ब्यूटी विटामिन के नाम से किसे जानते हैं? वो है विटामिन सी। कौन है? सेम इसी तरह से अगर पूछा जाए कि ब्यूटी फल के नाम से किसे जानते हैं? ब्यूटी फल किसके लिए? देखने में गोरा नहीं लगे, हमें गोरा बनाए, हमारी सौंदर्य को बना के रखे, हमारी सौंदर्य को बना के रखे। तो ब्यूटी फ्रूट्स के मतलब होता है एंटी, ये है सेम। कौन है?
और कौन है? गाजर, जिसमें कौन पाया जाएगा? मैलिक एसिड, क्या पाए जाएंगे? और सब्जियों की बात करें दोस्त, तो इंपॉर्टेंट कौन है? टमाटर। आप टमाटर को खाओ, आपके चेहरे में ना तो झुर्रियां पड़ेंगे, ना तो बुढ़ापा आने देगा, ना तो स्किन लूज होंगे, सारे चीज को मेंटेन रखेगा कौन? अब टूट मत पड़ना टमाटर पे, खुद से लाओ, खुद से खाओ टमाटर, ठीक है? अब ये टमाटर, तो इसका बताओ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी किसमें पाया जाता है? टमाटर में। किस विटामिन में पाया जाता है? विटामिन सी में। कौन सी सब्जियों में पाया जाएगा? तो जिसमें सी होंगे विटामिन सी पाया जाएगा, जैसे मिर्च में होंगे। और किस में होगा? टमाटर में होगा। और किस में होगा? सब्जियों की बात करें तो विटामिन सी धनिया में भी पाए जाते हैं। और किस में होता है विटामिन सी? पत्ता गोभी में भी विटामिन सी पाया जाता है। इन सबको हम बोलेंगे एंटीऑक्सीडेंट। और सबसे अच्छा कौन है बताओ? तो वो है टमाटर। समझ में आ गई बातें? एंटीऑक्सीडेंट की कहानी कंप्लीट। अब आ जाते हैं इसके, अच्छा पहले इतना पहले तुझे बता दूं, सोलेनम सोलेनम क्या है? लाइको पर्सिकॉन, ये तो इसका बोटनिकल नेम हो गया, सोलेनेसी हो गए। 2N का मान कितना हो गया? 24। उत्पत्ति की बात किया तो कहां हो गया? दक्षिणी अमेरिका। उत्पत्ति की बात करें कहां हो गया? हिंदी में भी लिखा हुआ है, घबराना मत आप। इसको क्या कहते हैं? पुअर मैंस ऑरेंज, गरीबों का संतरा। क्या बोलोगे? गरीबों का संतरा। जल्दी जल्दी निपटा देता हूं। लव ऑफ एप्पल कहां कहा जाता है? इंग्लैंड। यूनिवर्सल ट्रीटेड एज प्रोटेक्टिव फूड, बता दिया हूं यूनिवर्सली। ये कैसा है बताओ? प्रोटेक्टेड फूड। इसमें केवल इतना लिखेगा, अबाउट 33% ऑफ टोटल टोमेटो ग्रोइंग इन एरिया कवर्ड बाई F1। ये नहीं समझ में आया, मैं ये लिख देता हूं ऐसे। कुल टमाटर उत्पादन का, कुल टमाटर उत्पादन का लगभग, कुल टमाटर उत्पादन क्षेत्र का, उत्पादक क्षेत्र का लगभग 33% क्षेत्र में कौन सा वेराइटी? संकर किस्म। कौन सा? संकर किस्म लगाए जाते हैं। कौन सा किस्म लगाया जाता है? संकर। बताओ भारत में ऐसे, ये याद रखोगे, POTATO, क्या हो गया? पोटैटो। क्या है ये? पोटैटो। सबसे ज्यादा क्षेत्र किसका है? आलू का। आलू का मतलब पोटैटो। उसके बाद क्या है? ओ का मतलब ओनियन, और टी का मतलब क्या हो गया? टोमेटो। याद रहोगे ऐसे, तो ये पोटैटो। इसमें तीनों आ गए हैं ना। तो सबसे ज्यादा जो कुल उत्पादन क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग, मैंने बोला 33% भाग, कौन सा वेराइटी है? संकर वेराइटी। कौन सी वेराइटी है बताओ? संकर वेराइटी। हिंदी में लिखा हुआ है, जरा एक बात नजर डाल लेते हैं। लाल रंग किसके कारण? लाइकोपीन के कारण। पीला रंग किसके कारण? कैरोटीन के कारण। ये दो चीज तो हम जानते हैं, पीला रंग किसके कारण बताओ? कैरोटीन। तो यहां से इन पॉइंट को समझते हैं। देखो सबसे पहला अगर हमें प्रश्न पूछ लेता कि गुरु जी ये बता दो, ये हरा रंग किसके कारण होंगे? ये दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा जूम कर लेना इसको। अब ये हरा रंग पूछा है, तो हरा रंग किसके कारण होगा? हरा रंग होगा, हरा रंग किसके कारण होते हैं? हरा होगा क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। कैसा रंग हो गया बताओ? हरा। उसके बाद हरा के बाद जब ये चेंज होगा तो हल्की सी कलर चेंज होंगे, यानी कि हम रख ले पीला। क्या है बताओ? पीला। तो पीला रंग जो होते हैं कैरोटीनॉइड्स के कारण। किसके कारण? कैरोटीनॉइड्स, या हम कह सकते हैं कैरोटीन। किसके कारण पीला रंग है? कैरोटीन। तो ये टमाटर का ये पीला दिख रहा है ना, लेकिन पीला और लाल के बीच, पीला इसके इसके बीच, ये तो लाल हो गए और ये कैसा है बताओ? पीला। अभी बोर्ड में आपको, कैमरा में हो सकता है एक ही जैसा दिखता होगा, और ये कैसा है? हरा। ये कैसा दिख रहा है? हरा। और ये जो दोनों के बीच होते हैं इसको बोलते हैं टेंजेरीन, RIN। ये जो कलर आता है ये किसके कारण आता है? प्रोलाइकोपीन के कारण। यानी लाइकोपीन पूरी तरह से बना नहीं है, तो इसके कारण कैसा आ जाएगा? टेंजेरीन। किसके कारण है? प्रोलाइकोपीन के कारण। किसके कारण है? प्रोलाइकोपीन। बताओ चार रंग बता दो जल्दी जल्दी। हरा रंग किसके कारण? क्लोरोफिल।
लाल रंग किसके कारण? लाइकोपीन। येलो रंग, पीला रंग किसके कारण? पीला, ये हो गए लाल पीला कैरोटीन के कारण। और टेंजेरीन, टेंजेरीन, टेंजेरीन किसके कारण होते हैं? प्रोलाइकोपीन। किसके कारण है? प्रोलाइकोपीन। अपने एग्जाम में क्या आते हैं ज्यादा ज्यादा? तो लाल रंग पढ़ लिए, लाल रंग इंपोर्टेंट। तो ये हो गए आपके टमाटर। इसका उपनाम गरीबों का संतरा, बिलायती बैगन, उल्फ एप्पल, इंग्लैंड का लव एप्पल, ये सब कहते हैं। लाइकोपीन का निर्माण सर्वाधिक कितने डिग्री पे होते हैं बताओ? 21 से 24। और ये लाइकोपीन किस लवक का उदाहरण है? ये एआरएस में आया हुआ है, किस लवक का उदाहरण है? तो मैंने तीन तरह के आपको लवक पढ़ाया था। लवक समझ में आता है? नहीं समझ में आया? तीन तरह के प्लास्टिड होते हैं। क्या होते हैं? प्लास्टिड। तीन तरह के प्लास्टिड यानी कि लवक, प्लास्टिड। प्लास्टिड को क्या बोलते हो आप? लवक। कितने तरह के? लेकिन बच्चों से पूछो तो केवल वो जानते हैं हरित लवक। क्या जानते हैं बताओ? हरित लवक। इस हरित लवक को हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलोगे? क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद दूसरा जो लवक होता है मेरे दोस्त, इसे बोलते हैं वर्णी लवक। क्या होता है ये? वर्णी लवक। जब सेल बायो पढ़ोगे ना तो वहां पे आएगा वर्णी लवक, जिसे हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्या बोलोगे इसको? क्रोमोप्लास्ट। और थर्ड होता है, इसका नाम है अवर्णी लवक। कौन सा लवक है? अवर्णी लवक, जिसे हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोलोगे इसको? ल्यूकोप्लास्ट। ये जो हरित लवक होते हैं ना, इसमें अगर वर्णक पूछ लिया जाए कि कौन सा वर्णक पाया जाता है, कौन सा पिगमेंट पाए जाते हैं, तो आप बोलोगे इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है? अब बच्चे ना केवल जानते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए भी होते हैं, क्लोरोफिल बी होता है, क्लोरोफिल सी होते हैं, क्लोरोफिल डी होते हैं। अब कौन सा क्लोरोफिल यूनिवर्सल है? तो यूनिवर्सल है क्लोरोफिल ए, जो सभी हरे पादप में पाए जाते हैं। ठीक है। अब इसका रंग ना केवल होगा, रंग की बात करें तो ये रंग होगा इसका ग्रीन कलर का। ये जो हर चीज इसका ग्रीन होगा, टी शर्ट निकालेगा तो ग्रीन, बैग निकालेगा तो ग्रीन, सब चीज हरित लवक का कैसा होगा? हरा। तो इसका मेन फंक्शन अगर आपको पता होगा तो इसका मेन फंक्शन है फोटोसिंथेसिस। अगर पूछा जाए फोटोसिंथेसिस में कौन सा लवक भाग लेते हैं प्रकाश संश्लेषण में, तो आप बोलोगे गुरुजी हरित लवक। कौन है? हरित लवक। लेकिन आपने देखा होगा वर्णी लवक कहां पाए जाते हैं? पाया जाता है, तो ये पाया जाता है जानते हो कहां? फ्लावर में पाया जाएगा। ये कहां पाया जाता है? फलों के ऊपरी भित्ति में पाया जाएगा, फलों के भित्ति, जिसको हम पेरिकार्प कहते हैं। क्या बोलते हो बताओ? पेरिकार्प। तो फूलों का लाल होना, पीला होना, नीला होना, गुलाबी रंग होना, ये सब पाया जा किसके कारण होता है? वर्णी लवक। यानी हरा के अलावा सारे रंग, रंग की बात करूं तो कौन सा रंग बताओ? हरे के अलावा, हरे के अलावा सारा रंग किसके पास है बताओ? ये है किसके पास? वर्णी के पास। किसके पास? तो देखो, फूलों का बैगनी होना, फूलों का लाल होना, फूलों का पीला होना, फूलों का गुलाबी होना, गुलाब का लाल हो जाना, ये सब, पपीता का पीला होना, टमाटर का लाल रंग होना, ये सब एआरएस में पूछे हुए हैं कि लाइकोपीन किस लवक का उदाहरण है। तो तुरंत बच्चा कर देगा, ये हरा वाले तो छोड़ दे, हरा वाले क्लोरोफिल। और इधर सारा, जैसे लाइकोपीन हो गया, और आपको बात करें कैरोटीन हो गया, और बात करें एंथोसाइनिन बात कर दिया, कुरकुमीन की बात करते हो, हल्दी का पीला रंग किसके कारण है? कुरकुमीन के कारण। और इसका मेन अगर कार्य पूछा जाए तो ये फूलों का लाल पीला नीला क्या करवाता है बताओ? परागण। क्या कराएगा? इसका मेन फंक्शन होता है क्या? पोलिनेशन। कौन पोलिनेशन कराता है बताओ? वर्णी लवक। तो इसका भी अपना इंपॉर्टेंट रोल है, इसका भी अपना क्या है? इंपॉर्टेंट। तो जानते हो किसी परिवार में तीन भाई थे, कौन कौन? एक का लड़का का नाम क्या है? हरित लवक। एक का नाम क्या था? वर्णी लवक। और तीसरे का भैया का नाम है अवर्णी। तो किसी से अगर आप लवक पूछो, अननोन आदमी से भी, तो उसके मस्तिष्क में एक ही आंसर आएगा, हरित लवक। क्या आते हैं? ये ऐसा ही गांव में होता है, गांव में तीन भाई है, एक भाई रॉयल इनफील्ड से चलता है, तो किसी पूछेगा वो किसका घर है? वो रॉयल इनफील्ड वाला है। और जो छोटका है ना, हीरो हंडा वाला, साइकिल वाला, इसको तो कोई जानते ही नहीं गांव से,
तो बड़ा दिक्कत होगा उसको जीने में दिक्कत। अब बाप आएगा ऐसे मोच में ऐसे करके बोलेगा, देख एक ये है कितना नाम कमाया है, जहां देखता है सब उसी का नाम जानता है, मुखिया जी का बेटा है रॉयल एनफील्ड, ऐसे करके बोलता है। साइकिल वाले को दुख होगा, अरे बड़का भैया का बड़ा नाम हो रहा है, बड़का भैया कौन है, हरित लवक, इसका खूब नाम, और ये भी छोटका का भी हल्का फल्का नाम हो रहा था, कीटों के पीछे परागण करने वाला गोपी चंद जी है ये, तो इनका भी कन्हैया का लाल हो रहा था, लाल पीला नीला उनके पीछे भागने वाला कीटों को आकर्षित करने वाला, तो इसका भी नाम था। ये जो बेचारा था ना, इसको बाप रोज डांटता था, निठल्ला तो कुछ नहीं करता, ये दोनों खूब नाम कमा रहे हैं। एक दिन ये गुस्सा हो गया, आप रोज डांटते रहते हो, शर्ट पैंट सब खोल दिया, ले बाप को ही दे दिया, लो तू ही पहनना है इसको, नग्न चल दिया घर से। कैसा चल दिया बताओ, यानी ये कैसा होता है, रंगहीन, कैसा होता है, फिर बाबा जी बन गया ये, क्या बन गया, बाबा जी बन गया रंगहीन, बोला कि मेरे को ये दुनिया में मोह माया से कोई मतलब नहीं है, तो ये करने लगा स्टोरेज, क्या करने लगा, स्टोरेज यानी भंडारण का काम करने लगा। अगर शरीर में या कोशिका में प्रोटीन ज्यादा हो जाएगा तो उसे कौन सा लवक कहोगे, उसे बोलते हैं एल यूरोप्लास्ट, क्या बोलोगे बताओ, एल यूरोप्लास्ट। अगर शरीर में वसा स्टार्च ज्यादा हो जाए, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो जाए, तो इसे बोलते हैं एमाइलोप्लास्ट, कौन सी प्लास्ट है बताओ, एमाइलो का मतलब ही होता है स्टार्च, और अगर वसा ज्यादा हो जाए, फैट ज्यादा हो जाए, तो इसे बोलते हैं इलायोप्लास्ट, कौन सी प्लास्ट बोलेंगे, इलायोप्लास्ट। इतना ही प्रश्न आते हैं, बताओ अवर्णी लवक कैसा होता है, रंगहीन, और सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ा होता है यही, कौन है, जिसका नाम है अवर्णी ल्यूकोप्लास्ट। प्रोटीन का भंडारण करेगा तो इसे एल्यूरोप्लास्ट, स्टार्च का करेगा एमाइलोप्लास्ट, वसा का करेगा तो इलायोप्लास्ट। वर्णी लवक जो होते हैं वो किसका काम करेगा, पोलिनेशन का, और क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो किसका काम करेगा, फोटोसिंथेसिस का। तो समझ में आ गया होगा आपको, लाइकोपीन किसके अंतर्गत रखोगे, लाइकोपीन रखेंगे वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट के अंतर्गत, किसके अंतर्गत रखेंगे, क्रोमोप्लास्ट। अब चलो, अब बोल रहा है आपसे क्या पॉइंट, कि लाइकोपीन का वर्णक, लाइकोपीन जो होते हैं ना, ये पूछ रहा है लाइकोपीन वर्णक का निर्माण बंद हो जाएगा, कितने डिग्री पे, 30 डिग्री से अधिक जाओगे तो इसीलिए टमाटर लाल नहीं होके कैसा होने लगा, क्या पीला, क्योंकि पीला जो रंग, या बनने लगेगा टेंजरीन, क्या बनने लगेगा बताओ, टेंजरीन, टेंजरीन का मतलब होता है, ये बनता किससे है, प्रो प्लो लाइकोपीन, यानी लाइकोपीन की पहले वाली अवस्था क्या कहलाएगी, प्रो। और अगर लाइकोपीन पूरी तरह से बना नहीं, जैसे क्लोरोफिल की पहले की अवस्था कहलाती है प्रो क्लोरोफिल, तो लाइकोपीन की पहले की अवस्था क्या कहलाएगी, प्रो लाइकोपीन। अब प्रो लाइकोपीन के कारण कैसा होगा, हल्का पीला ही हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ राजस्थान क्षेत्र में टमाटर लाल होते हैं या टेंजरीन होते हैं, तो कैसा आंसर जाएगा, टेंजरीन, कैसा होते हैं बताओ, टेंजरीन। कारण क्या दोगे, क्योंकि 30 डिग्री से अधिक तापमान होने पे लाइकोपीन बनेगा नहीं, तो लाइकोपीन बनता नहीं है तो उसका पहले वाली अवस्था बन जाती है, तो पहले वाली अवस्था क्या कहलाती है, प्रो लाइकोपीन, क्या कहलाता है, प्रो लाइकोपीन। और मेन एंटी कैंसरस एक्टिविटी जो है वो कौन है, लाइकोपीन, रिचेस्ट सोर्स ऑफ लाइकोपीन एमंग ऑल द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, सही बात है, पूरी सब्जियों और फलों की बात करें तो सबसे ज्यादा लाइकोपीन किसमें पाया जाता है, टमाटर में, किसमें पाया जाता है, फ्रूट कंटेन लाइकोपीन 30 से 50 माइक्रोग्राम प्रति ग्राम ऑफ फूड, तो ये याद मत रखना, 3 से 50 माइक्रोग्राम में है। लाइकोपीन इज मोस्ट पावरफुल, क्या है बताओ, अभी बताया क्या है, एंटी ऑक्सीडेंट। और पीएच कितना होता है, फ्रूट का, टमाटर फल का पीएच कितना है, 4 से 4.5 है, मैंने क्या बताया, 4 से 5, कितने होते हैं टमाटर का, सब पढ़े हुए हैं, बता दो एक बार मुझे जल्दी से, और लाइकोपीन का निर्माण कितना में होगा, 21 से 24, कब निर्माण बंद हो जाएगा, 30, और ये कैसा होता है, एंटी कैंसर होते हैं, रिच सोर्स है, फलों और सब्जियों में सबसे ज्यादा लाइकोपीन किसमें पाया जाएगा, टमाटर में, और इसमें लाइकोपीन एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं, कैसा होते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट, और इसका पीएच कितना होता है टमाटर के, 4 से 5, कितना होंगे, 4 से 5। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, ये कैसा पौधा है बताओ, डे न्यूट्रल, जिसका फल खाते हो वो कैसा होगा बताओ, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका क्या खाते हो, फल खाते हैं, इसीलिए ये कैसा है, डे न्यूट्रल प्लांट। और कौन होगा डे न्यूट्रल,
तो टमाटर हो गया, बैगन हो गया, और कौन है, मिर्च है, उसके बाद कौन है, भिंडी है, ओकरा की बात, सारे कुकरबिट्स क्या होंगे बताओ, डे न्यूट्रल प्लांट। और अगर बात करें तो राजमा भी कैसा है बताओ, डे न्यूट्रल प्लांट। काउपी लोबिया की बात करें तो ये भी कैसा है, डे न्यूट्रल प्लांट। अगर कपास की बात करें तो ये कैसा है, डे न्यूट्रल प्लांट। सूरजमुखी की बात करें तो कैसा है, डे न्यूट्रल प्लांट। और कोई है, नहीं है, ज्वार, बाजरा है, ये सब भी कैसा होगा, पर्ल मिलेट आ रहे, ये सब भी क्या है, डे न्यूट्रल प्लांट। कैसा होगा ये, स्वपरागित। स्वपरागित का मतलब सेल्फ पोलिनेशन। टमाटर में क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन, याद आ गया, मटर और टमाटर, मटर और टमाटर, और कौन था, आलू, मटर टमाटर आलू, ये सब कैसा है, स्व। अब बाकी भिंडी और कौन, बैगन और कौन, मिर्च, और एक बीन का नाम था लीमा बीन, ये कैसा है, ऑफन क्रॉस पोलिनेशन। और जिसका फल खाते हैं कुकर बीट्स, ये कैसा था, क्रॉस पोलिनेशन, कैसा है, क्रॉस। तो ये ना, जब तुम कुकर बीट सार तक आओगे ना, तुझे लगेगा कि एक ही चीज को कितने बार ये टीचर बोलता है, इसीलिए होटी में तुम नहीं, अभी एक बार तुम खाली ऐसे ऐसे जाके उलट लेना, सब काम हो जाएंगे, लेकिन नोट्स बना ही नहीं रहे हो तो दिक्कत आ रहे हैं। विटामिन का अच्छा स्रोत है कौन कौन होंगे, ए और सी। अगर टमाटर की बात करें तो दो ऑप्शन आएंगे, विटामिन ए और विटामिन सी। अगर ऑप्शन रहेगा बोथ तो टिक करेंगे बोथ, लेकिन ऑप्शन आ जाए ए बी सी डी तो टिक करेंगे ए, क्या टिक करेंगे, ए। और लेकिन अगर मिर्च की बात करें तो मिर्च में विटामिन सी, सी सी की आवाज आएंगे ना, सी, ठीक है, ज्यादा सी मत कर, कहीं और से निकल जाएगा, ठीक है। ब्लोचिंग राइपनिंग, तो ये किसके कमी के कारण होते हैं, पोटास की कमी के कारण, किसके कमी के कारण, पोटास, ये पढ़ा चुका हूं डिसऑर्डर में। मोस्ट इंपोर्टेंट की बात करें, टोमेटो ग्रोइंग स्टेट, यानी आपसे बोल रहा है, इसी का हिंदी अग्रणी राज्य कौन है, अग्रणी राज्य पूछा है आपको किसमें, उत्पादन में, किसमें पूछा है, उत्पादन में, तो ये कौन है मेरे दोस्त, आंध्र प्रदेश, कितना है, आंध्र प्रदेश। लेकिन यही बात अगर अभी तक आपने आलू पढ़ा तो आलू में अग्रणी पूछ लेता तो यूपी, अगर देश पूछता तो चाइना, कौन पूछ लेता, तो चाइना। सेम इसी तरह से इसमें देश की बात करें तो क्या आएगा, चाइना, ऐसे रिवीजन करते चलेंगे पीछे का। तो आलू में कौन सा था बताओ, उत्तर प्रदेश, देश कौन था, चाइना। यहां उत्पादन में कौन है, आंध्र प्रदेश। पूरी फलों की बात करें तो भी कौन आएगा, आंध्र प्रदेश। मिर्च की बात करें तो कौन आएगा, आंध्र प्रदेश। पूरी सब्जियों की बात करें तो वेस्ट बंगाल, कौन सा है, वेस्ट बंगाल। और देश में कौन है फर्स्ट, चाइना। टोमेटो सीड कंटेन, अरे सर ये तेल भी रखता है, टमाटर के बीज में तेल की प्रतिशत, तेल प्रतिशत ये कितना है बताओ, 24%। कितने प्रतिशत होते हैं, 24% तेल। कल मैंने आपको बताया था, पादप से प्राप्त किए जाने वाला वसा संतृप्त या असंतृप्त, कब कल बताया सर, मेरे तो याद नहीं, 2 बजे वाले बैच में याद करो, 1:30 से 3 बजे वाले। पादप से जितने तरह के वसा जो प्राप्त होते हैं, किससे मैंने बात किया था बताओ, पादप से, पादप से जो वसा प्लांट से प्राप्त करते हो ना, वसा का मतलब तेल, जितने, जैसे अरंडी का हो गया, सरसों का हो गया, मूंगफली का हो गया, तिल का हो गया, ये सारे होते हैं असंतृप्त वसा। कैसा वसा है बताओ, असंतृप्त वसा, जिसे बोलते हैं अनसेचुरेटेड फैट, कैसा है, अनसेचुरेटेड। लेकिन जंतु से जो वसा प्राप्त करते हो, एनिमल से जो प्राप्त करते हैं, वो होते हैं संतृप्त, क्या होते हैं, संतृप्त, जिसे हम बोलते हैं सेचुरेटेड फैट। यानी इसमें कार्बन कार्बन का बॉन्ड क्या होता है, सिंगल, और यहां कार्बन 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 ये डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं। लाभदायक कौन होता था बताओ, तो ये वाले क्या होते हैं, लाभदायक। पादप से जितने उत्पाद प्राप्त करते हो, ये सबको खा पी लेना, ये सब लाभदायक होते हैं, कुसुम का तेल, सूरजमुखी का तेल, ये सब फायदेमंद होते हैं। लेकिन इधर वाले ज्यादा नहीं खाना, ये नहीं कि घी लिया, ये कटोरा ऐसे पी गया, तो पी जाओगे तो ये हमारे लिए क्या होते हैं, नुकसान। और ये कैसा फैट, मैंने बताया था हार्ड फैट, कैसा फैट है, और ये कैसा है, सॉफ्ट। पाचक किसका इजी हो जाएगा, इसका, और ये पाचन में कठिन होगा, ठीक है। तो कौन सा उत्पाद ज्यादा खाना चाहिए,
पेड़ पौधे वाला या जीव जंतु वाला? पेड़ पौधे वाला। कौन सा खाना चाहिए? पेड़ पौधे वाले। जंतुओं वाले जो वसा खाओगे ना, वो हमारे पेट को बढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे पेट बढ़ेगा। तो ऐसे पेट को बढ़ाने में फिर आपको मेहनत करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। चले आगे बढ़ जाते हैं भाई, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, देखते जाओ। अरे सर आज थोड़ा इंग्लिश ज्यादा नहीं लाए हो ना? अरे इधर लिख दूंगा। अरे घबराना तो है नहीं पागल, हिंदी इंग्लिश में कोई लैंग्वेज समझता ही नहीं, और जिसने इसका नाटक किया समझो पढ़ने वाला नहीं। मैं इंग्लिश मीडियम से था, पूरा हिंदी सीखा या नहीं? सीख गया, ठीक है। अब है क्या बताओ? हमारे गुरुजी पढ़ाते थे टोमाटीन। अरे इतना तो पढ़ने तो आएगा, टोमाटीन मैसेज तो करते होगे, और कटे उठे मैं भी आ रहा हूं, तो ईटे और कटे करते हो कि नहीं? तो वो तो बहुत कठिन शब्द है पागल लिखना, कटे ही हो लिख के दिखाना है इंग्लिश में, कटे ही हो, कैसे लिखूं मैं कटे? तो ये तो काटे समझ जाए, मेरे जैसा लड़की बोले तो बोले काटा मांग रहा है क्या, ये काटे हो तो गलत हो जाए। तो देखो टोमाटीन समझो आप, इतना टोमाटीन है क्या? तो यहां लिख देता हूं टोमाटीन। टोमाटीन क्या है? एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। क्या है? टॉक्सिक सब्सटेंस, विषैला पदार्थ। तुम्हें तो इतना समझना है, इधर वाले हिंदी वाले जो है ना इसको देखो ही मत, वो मेरे भाषण को सुनते रहो और नोट्स बनाओ। टोमाटीन का मतलब क्या है? विषैला पदार्थ। और ये विषैला पदार्थ हायर इन पूछ रहा है, ये जो विषैला पदार्थ होते हैं ये सर्वाधिक कहां पाया जाता है? तो सर्वाधिक पाया जाता है पत्तियों में। कहां पाया जाता है? इसका मैं कारण बताता हूं। आप कभी भी इस पत्ती को रोड पे छोड़ दो, कोई जानवर इसको खाएगा तक नहीं। देखते होंगे टमाटर के पत्ती आप छोड़ दो, नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाते हैं बताओ? क्योंकि इसमें विषैला पदार्थ क्या पाया जाता है, बहुत भूखा है तो थोड़ा बहुत तो खा लेगा, ज्यादा खा लेगा ना तो उसके अंदर गैस बन जाएंगे, हिट्रोकार कैनुला एक दबा के मार दोगे निकल जाएगा पूरा। तो सबसे ज्यादा किसमें पाए जाते हैं बताओ? पत्तियों में। सबसे ज्यादा टोमाटीन किसमें पाया जाएगा? यहां से एक पॉइंट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा टोमाटीन की बात करें तो वो किसमें? एक तो प्रश्न ये कोई नहीं पूछेगा, टोमाटीन थोड़े पूछेगा कोई, टोमाटीन सब जानता है, टोमेटो, टोमाटीन किसमें पाया जाएगा? टोमेटो, ये कोई नहीं पूछेगा। किसमें ये पूछेगा? सबसे ज्यादा किसमें पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा ये पाया जाएगा पत्तियों में। आप जानते हो ये फल को लेना, जब खेत उत में जाते हो इसको ऐसे सूंघना, अलग तरह के सुगंध आते हैं ना, खुशबू आते हैं, वो किसके कारण है? सल्फोनियम के कारण। तो फलों में सुगंध, यही लिख देता हूं, फलों में सुगंध किसके कारण आपको देखने को मिलेगा? ये मिलेगा सल्फोनियम के कारण। किसके कारण मिलेगा? सल्फोनियम। तो बताओ टॉक्सिक सब्सटेंस की बात करें तो टॉक्सिक सब्सटेंस क्या हो गया? टोमाटीन। सबसे ज्यादा किसमें पाया जाएगा? पत्तियों में। और उसके बाद इसके फलों में सुगंध किसके कारण होते हैं? सल्फोनियम। और ये पढ़ा दिया हूं एसिडिटी। टमाटर में अम्लीयता किसके कारण होता है? अम्लीयता होते हैं दो, सिट्रिक अम्ल के कारण। किसके कारण? सिट्रिक अम्ल के कारण। बताओ ये तीनों पॉइंट में कोई दिक्कत? इसी अम्लीयता का टमाटर का जूस का पीएच कितना होता है? 4 से 5। टमाटर में विषैला पदार्थ टोमेटिन, सबसे ज्यादा किसमें? पत्ती में। फलों में एरोमा सुगंध ऐसे, आहा अच्छा, किसके कारण? सल्फोनियम के कारण। किसके कारण? सल्फोनियम के कारण। और इसका अम्लीयता होने का कारण क्या है? सिट्रिक एसिड। क्या है? अम्लीयता होने का कारण क्या है? सिट्रिक। टमाटर के जूस का पीएच कितना होता है? 4 से 5। कितने होते हैं? 4 से। आगे बढ़ जाए, छोड़ दूं अब है? ये कहां से आ गया रे? ये देख टेंजरीन, अब तो कोई बोलेगा तो समझ जाओगे ना क्या है टेंजरीन, एकदम लाल या एकदम हरा? ठीक है, पर अपने कितना ये ब्रेकफास्ट स्टेज ये छोड़ देना, ग्रीन जेब्रा ऐसे ऐसे स्टेज बाद में पढ़ेंगे। सिट्रिक अम्ल कितना पाया जाता है? 0.3। इसी के कारण टमाटर का गुण क्या होता है? अम्लीय। करवा चुका हूं। पुष्प क्रम बताओ क्या है? रेसिमोज। रेसिमोज इसमें चुन लो, रेसिमोज चुन लो, कौन है? अरे गुरुजी पुष्प क्रम एकदम ऐसा लाए हो, अच्छा लग रहा है आज। क्या है? फूलों का क्रम क्या कहलाता है?
रेशी मोज। अगर ऐसा फूल हो, डंठल हो, डंठल डंठल है, अंकल है, कौन है अंकल, इस अंकल पे एक ही फूल रहे, अंकल एक ही हूं, तो इसको बोलेंगे सोलेटरी, क्या बोलोगे। अब अगला है रेशी मोज, क्या है बताओ, अपने को क्या पढ़ना है, रेशी मोज, कौन सा पढ़ना है, रेशी मोज। तो बताओ रेशी मोज किसे कहेंगे, मैं दो तीन बार पढ़ा चुका हूं, फूलों का क्रम कुछ इस तरह से होगा, उसको हम क्या बोलते हैं बताओ, रेशी मोज, क्या बोलोगे, रेशी मोज। स्पाइक किसे कहेंगे, स्पाइक इस तरह से एक ही जगह से निकला हुआ, ऐसे ऐसे एक ही जगह से, इसको क्या बोलेंगे, स्पाइक, क्या बोलोगे, स्पाइक। ये कहां मिलेगा स्पाइक, तो आपको मैं बताया था ऐसा फूल का गुलदस्ता देते हैं किसको, ग्लेडियोलस वाले में, याद आया, ग्लेडुएलस। और कहां मिलते हैं, गेहूं में, गेहूं में क्या मिलता है, स्माइक। और ऐसे वाल, इसी का उदाहरण रेसी मोज का ही मॉडिफिकेशन होता है पेनिकल, क्या होता है, ये पेनिकल दिया, कॉम्प्लेक्स पेनिकल दे, क्या है ये, कॉम्प्लेक्स, ये आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। केपिचुलम, केपिचुलम आपको ये देखने को मिलेगा सूरजमुखी वाले में, कैसे, गेंदा वाले में, गुलदावदी वाले में, केपिचुलम। अंबल देखने को मिला होगा किसमें, गाजर में, धनिया में, प्याज में, सौफ में, जीरा में, अजवाइन में, और कोई है, कोरियम मिलना होगा फूलगोभी में, कोल क्रॉप में, इसमें क्या मिलता है, कोरियम। साइम किसमें देखने को मिला, ऐसा फूलों का क्रम, साइम नहीं देखा, साइम मिलते बेर में, किसमें मिलता है, बेर में। तो ये हो गए सारे फूलों का क्रम, फल प्रकार क्या है इसका, बेरी, फल प्रकार क्या है, बेरी। अब आते हैं ये कैसा फल है बताओ, क्लाइमेट्रिक, मैंने याद करवा दिया था ना, क्लाइमेट्रिक किसको, नॉन क्लाइमेट्रिक में दो तो याद रखना है आपको मेरे हिसाब से, कौन कौन, खीरा और कौन, मिर्च, खीरा मिर्च, इसको बोलते हैं कुकुम्बर, अंग्रेज लोग कुकुम्बर, इसको चीली, और हमारे लिए एक और याद रखना दोस्त, जिसका नाम है तरबूज, क्या याद रखोगे, तरबूज। अगला, जलवायु कैसा होगा, तो आपको पता है जिसका फल खाते हैं उसके लिए जलवायु कैसा चाहिए, ट्रॉपिकल, और वार्म भी चाहिए, गर्मी में भी ये हो जाएगा, कोई फूलों को गिरने से रोकने के लिए टू प्रिवेंट फ्लावर ड्रॉप, तीन चार क्या दस बार पढ़ा चुका हूंगा, फ्लावर ड्रॉप इसके लिए हम उपयोग करेंगे एट द रेट ऑफ किसका, 2,4-D, किसका, 2,4-D, जिसकी मात्रा केवल 1 से 2 PPM, कितने ppm, देखो अगर सब्जी में कभी भी आ जाए मेरे भाई बंधु, तो 2,4-D की मात्रा एकदम कम लेना, 5 से कम लेना। अगर यही फलों की बात करें ना, तो फलों में गिरने से रोकने के लिए 20 तक जा सकते हो, कहां तक, कई कई तो 20 से 50 तक भी जाओगे तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन सब्जियों में मात्रा 5 से कम, बहुत ज्यादा तो 2 PPM, 3 PPM, 2 PPM का मतलब आप समझते हो, केवल बताना, 2 PPM का मतलब हो गया जानते हो क्या, 1000 से भाग दे दे, तो 1000 से भाग दोगे 0.02, इतना आ गया कम। अब किसान को इतना चाहिए ml 1 लीटर पानी में, तुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि इतना छोटा देखूं कैसे, तो क्या करोगे, ऊपर नीचे गुना कर देना, एकदम सीधा ही ऊपर भी गुना कर दे, नीचे भी गुना कर देना, तो 1000 हो जाएंगे। 1000 लीटर पानी में ना, 1000 लीटर पानी में 2 ml डालना है, बड़का टंकिया जो होता है छत पे, 1000 लीटर, ऐसे क्या देख रहे हो, टंकी नहीं ऊपर लग, 1000 लीटर वाले जो होते हैं उसमें केवल, जानते हो पल्स पोलियो अभियान चलते थे, 2 बूंद जिंदगी के लिए, बाबू ऐसे एक टुप ये हो गए पल्स पोलियो अभियान। ध्यान रखना, ये अधिकारी बनना तो ये नहीं कि तू कोई साहेब हो गया, एकदम ऐसे बड़का टंकी में ऐसे देखना, 1000, हाँ एक हो गया, केवल दो, कितने बूंद, अब सोच कितनी कम मात्रा चाहिए, चाहिए ना। इसका मतलब गांव में तो ऐसा हो, 2,4-D का बोतल ले जाना और दिखा के टंकी से आ जाना, जा रहा हूं, क्योंकि मात्रा क्या है, बहुत ही कम। अब हम क्या होते हैं, ढक्कन खुलवाओगे ऐसे, सोचोगे यार एक हजार तो है, डाल 2,4-D, ऐसे डाल दिए, एक और ऐसे डाल दोगे, ऐसे 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 ऐसे, मेरे अपने में डाल देता, पता नहीं कितने दिन का ये रखा होगा।
अभी आ गया तो कितना है? एक में 30 ml था, एक और ढक्कन डाल दिया, कितना हो गए? 30 30 60, हायर कंसंट्रेशन कितने गुना ज्यादा कर दिया? 30 गुना ज्यादा, सारे फूल को घिरा देके। ठीक है, बीज का उपज कितना होना चाहिए बताओ? 100 से 120, कितना होना चाहिए? 100 से 120। अब इसमें दो पॉइंट और इंपॉर्टेंट कर लेते हैं बात, देखो इंपॉर्टेंट स्पीसीज की बात कर लेते हैं। केवल ये एक याद रखना, लवण प्रतिरोध कौन है? एक ऐसा मूल ग्रंथ का नाम बताओ जो किसके लिए हो? सॉल्ट रेसिस्टेंट। और उसका याद रख लेना चेस माने, बस सोलेनम, क्या पूरा नाम आएगा? सोलेनम चेस माने, बस इतना। कॉलीफ्लोरा किसके लिए है बताओ? वायरस के लिए। किसका रूट स्टॉक है? पपीता का। रेयान किसका है मेरे दोस्त? रेयान की बात करूं चीकू का। पूसा सृजन किसका है? पूसा सृजन, अरे मेरे को भी याद नहीं, अमरूद का। नम का, नेक्रे मुबंधन कुरुकन किसका है? आम का, सॉल्ट सॉल्ट रेसिस्टेंट। अगर अंगूर का बोले तो अंगूर का गुरुजी सॉल्ट क्रिक, क्या नाम है? सॉल्ट क्रिक किसका है? डॉगरिच। डॉगरिच किसका रूट स्टॉक है? अंगूर का। किससे है? लवण प्रतिरोध, किससे है? लवण। और आम के लिए बताया था न म क, न म क, ये इंपॉर्टेंट है, और बाकी इसमें कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है, रहने देना। अब आ जाओ आगे, बस ये लास्ट टॉपिक आज कराऊंगा, टमाटर के वृद्धि। क्या है? टमाटर के वृद्धि। अगर शुरू से मुझे रिवीजन कराने के लिए बोले कि 25-30 पॉइंट जो कुछ भी पढ़ाया है जल्दी से बोल दो, तो करवा दोगे रिवीजन? याद है सब? नहीं याद है? अच्छा ठीक, एक बार पढ़ा देता हूं। अब दो तरह के हम टमाटर पढ़ेंगे वृद्धि के आधार पे। कितने तरह के टमाटर पढ़ोगे? दो तरह के। कौन कौन? एक का नाम है समझ लो डिटर्मिनेट, एक का नाम क्या है? डिटर्मिनेट। और एक का नाम है इनडिटर्मिनेट। ऐसा टमाटर जो लगे होते हैं ना, ये कहां लगे होते हैं बताओ? ग्रीन हाउस में। कहां लगे होते हैं? ग्रीन हाउस में। तो केवल इमेज आप समझो, ऐसा कौन सा टमाटर है बताओ जो कहां लगे हुए हैं? ग्रीन हाउस में। अब समझते हैं, अब ये जो टमाटर है इसे हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट। क्या बोलते हो? इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट का मतलब इसका कोई निर्धारण नहीं है। देखो ऐसा ये जा रहे हैं, क्योंकि ये किसका उदाहरण है बताओ? रेसिमोज। ऐसे फूलों के क्रम क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा रेसिमोज। क्या कहलाएगा? रेसिमोज। तो इसके माथे पे फूल नहीं आते हैं, ध्यान रखना, इसके माथे पे फूल नहीं आते हैं। तो टमाटर यहां लगेगा पूरा, ऐसे ऐसे लग जाएगा। देखो ये नीचे टमाटर लग गए ना, इसको तोड़ लेगा। इसको क्या किया? तोड़ लिया। इसको भी क्या किया? तोड़ लोगे। अब टमाटर फिर कहां लगेगा? ऊपर। फिर कहां लगेगा? अब फिर ग्रीन हाउस में ऐसे ऐसे इसको क्या कर लेंगे? तोड़ लेंगे। ये फिर आगे बनेगा, 7 दिन के बाद फिर जाना बटरी लेके, टोकरी लेके, फिर तोड़ लेना। तो फिर ये तोड़ लोगे, टमाटर फिर कहां बढ़ेगा? ऊपर। फिर यहां टमाटर लगेगा, फिर 8-10 दिन के बाद जाना टमाटर फल दे दे, फल दे दे, बोले ले ले, फल ले लिया, फिर ऊपर बढ़ेगा। इसका मतलब इसमें जैसे जैसे कली आते जाएंगे, ऐसा ही इसमें क्या आते जाएगा? फल आते जाएंगे। आप देखो, पहले तो आपने यहां से लिया, इसको लेते ही फिर कहां से फूल? यहां से, फिर यहां से, फिर यहां से, और ऊपर एक ऐसे बने रहते हैं रस्सी, जैसे ये घर है ना, ऊपर एक पंडाल बना दिया और उसको ऊपर से रस्सी ऐसे लाके छोटकिनिया टमाटर को ऐसे बांध देते हैं। इसी को हम कहते हैं ट्रेनिंग। क्या बोलते हैं बताओ? ट्रेनिंग। तो पूछेगा किसमें ट्रेनिंग होते हैं? तो आपको समझ में आया इनडिटर्मिनेट क्या है बताओ? इनडिटर्मिनेट का मतलब असीमित। इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट का मतलब जिसका कोई निर्धारण नहीं है, निर्धारण नहीं है, असीमित, जिसका कोई सीमा नहीं है उसे क्या बोलेंगे? असीमित। इनडिटर्मिनेट जिसका कोई निर्धारण नहीं है। किसकी निर्धारण नहीं है? वृद्धि के। किसकी निर्धारण नहीं है? तो देखो अगर इसको यहां से टमाटर लेते जाओगे ये बढ़ता जाएगा, लेते जाओगे बढ़ता जाएगा, तो इसको आपको एक रस्सी से क्या करना पड़ेगा? बांधना पड़ेगा। इसी को हम बोलते हैं ट्रेनिंग।
क्या बोलते हैं बताओ, तो इस टमाटर को ट्रेंड कर रहे हैं कि बेटा तुझे ऊपर चढ़ना है, ऊपर चढ़ना है, तो ये ट्रेनिंग। और जैसे जैसे ये टमाटर ले लिया तो ये फालतू अंग को हमें रखना नहीं है, तो इस फालतू वाले भाग को क्या करते जाना है बताओ, काटते जाना है। इसको क्या करेंगे, काटते जाएंगे, ताकि जो पोषक तत्व है इधर नहीं आके कहां जाए, ऊपर। और ऊपर फलों की साइज क्या होगी, ज्यादा, तो उसको हम बोलते हैं प्रूनिंग। क्या बोलते हैं बताओ, यानी बांधना क्या कहलाता है, ट्रेनिंग, और काटना क्या कहलाता है, प्रूनिंग। तो ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग किस टमाटर में करते हैं, वो टमाटर जो कहां लगाया जाता है बताओ, ग्रीन हाउस में। कहां लगाया जाता है, ग्रीन हाउस में। उसमें हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। क्या करोगे, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और कैसी वेराइटी लगाते हैं, डिटर्मिनेट या इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट जिसको क्या बोलते हैं, असीमित। कौन सी किस्म है, असीमित। और इसी का सबसे अच्छा उदाहरण है पूसा रूबी। कौन सा वेराइटी, पूसा रूबी। पूसा रूबी किसकी वेराइटी है, टमाटर की। कहां लगाया जाता है, ग्रीन हाउस में। क्या पूसा रूबी में ट्रेनिंग करेंगे, हाँ, प्रूनिंग करेंगे, हाँ, खत्म। अगला जो है जिसको बोलते हैं डिटर्मिनेट, नाम ही पता है, सीमित। नहीं बोलते कभी कभी, मेरे को पहले से डिटरमाइन था तू क्या करने वाला है, पता होते ना। जैसे मुझे हर बच्चा वही धोखा देगा ना, जिसको आप फी में कम कर दो, हॉस्टल में कम कर दो, हमेशा नुकसान करके जाएगा, हमेशा। जो जो 6-6 हजार देगा वो नुकसान नहीं करेगा, लेकिन किसी को कम कर दो, रियायत दे दो, वो नुकसान करेगा। ये 5 साल का अनुभव बता रहा हूं। तो हमेशा वही, क्योंकि मुझे पहले से डिटरमाइन है, सीमित है कि ये धोखा होने वाला है। तो अपने अब तो परिपक्व, पहले एक आध छोरे चल जाता था, बड़ा टेंशन में रहता था, सच बताओ। आज 5 हजार रुपये लड़के देते, इसीलिए मैंने पहले ही सोच लिया 3 घंटा जाके पढ़ा लाओ, 3500 रुपये कमा के आओ जाओ डेली। तो आज मैं सोचता हूँ 30 लड़के हॉस्टल में बराबर, तो मैं 1 महीने में कमा लेता हूँ, खाली 2 घंटा बाइक गाड़ी से जाना है, आ जाना है। तो अभी ये टेंशन नहीं, लेकिन पहले एक एक जाता था ना, ऐसे सर खुजलाते रहता, अब आराम से मस्त बैठा, पागल मर जाऊंगा, ऐसे बाल पक गए पूरा। तो ये क्या है बताओ, डिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट का मतलब होता है सीमित। क्या होता है इसका मतलब, सीमित। ये कहां होंगे, खुले खेत। खुले खेत में कैसा होगा, सीमित। शाखाओं के अंतिम सिराओं पे क्या आ जाएंगे, फूल। ये देख लो, शाखाओं के अंतिम सिरा पे क्या आ जाएगा, पर इसकी वृद्धि ज्यादा नहीं, इसकी वृद्धि ज्यादा। ये हो गए आपके डिटर्मिनेट और इनडिटर, ये और देख लो। बताओ अगर रहता 2-4 लाइन लिखने, तो अब लिख सकती हो या नहीं, किसे डिटर्मिनेट कहते हैं और किसे इनडिटर्मिनेट। ये क्या है डिटर्मिनेट और ये क्या है इन, इसको ऐसे ऐसे फूल लेते जाना, ये और बढ़ते जाएंगे। तो ये हो गया आज की कहानी, इसके बाद हम कहानी करेंगे कल। एक बार मुझे जल्दी से याद दिला देना, सर डिटर्मिनेट तक पढ़ा दिए हो, एक मुझे जल्दी से आप रिवीजन करा दो फटाफट, क्योंकि आज बहुत ज्यादा शब्द मैं आपको पढ़ा दिया हूं। बताओ पीएच कितना होता है टमाटर का, देख के पढ़ते जाओ, 4.9। इसका नेचर एसिडिक, कारण सिट्रिक एसिड, टमाटर का उपनाम गरीबों का संतरा, इंग्लैंड का प्यार, बिलायती बैगन, उल्फ एप्पल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, वुल्फ, WOLF, वुल्फ एप्पल, APPLE, वुल्फ एप्पल। प्रोटेक्टेड फूड का उदाहरण कौन है, सुरक्षा प्रदान करने वाला, वेजिटेबल फ्रूट दोनों। वेजिटेबल फ्रूट, अनाज तिलहनी की बात करें तो क्या टिक करोगे, वेजिटेबल। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्त किसका, टमाटर का, तो क्या टिक कर दोगे, टमाटर। अगला हम बात करते हैं यूनिवर्सल मोस्ट एक्सेप्टर एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है बताओ, ऑक्सीकरण को क्या कर देगा, रोक देगा। इसे ब्यूटी के नाम से जाने जाने वाला विटामिन कौन होते हैं, विटामिन सी। टमाटर का बोटनिकल नेम क्या है, सोलेनम लाइकोपर्सिकॉन या सोलेनम स्कुलेंटम भी कहते हैं। सोलेनेसी कितना है इसका, कूल है, और 2N की संख्या कितनी है, 24। उत्पत्ति की बात करें तो कहां है, साउथ अमेरिका, चले ये नाम। और कुल एरिया का, टोटल एरिया का कितना प्रतिशत भाग इसका हाइब्रिड वेराइटी है बताओ, 33% भाग क्या है, हाइब्रिड वेराइटी है। टमाटर के कुल एरिया का 33% भाग क्या है, हाइब्रिड वेराइटी है। अगला बात करते हैं, लाल रंग किसके कारण है, लाइकोपीन। पीला रंग किसके कारण, कैरोटीन। टेंजरीन रंग किसके कारण होता है, प्रो लाइकोपीन के कारण। हरा रंग किसके कारण होगा बताओ, क्लोरोफिल के कारण।
अगर लाइकोपिन का सबसे अच्छा निर्माण किस पे होते हैं बताओ, 21 से 24 लाइकोपिन बंद कितने पे हो जाएगा, 30। मेन एक्टिविटी क्या है लाइकोपिन, एंटी कैंसर होते हैं। उसके बाद रिच सोर्स क्या है, पूरी फलों और सब्जियों में टमाटर लाइकोपिन का सबसे अच्छा स्रोत है। लाइकोपिन को मोस्ट पावरफुल क्या कहा जाता है, एंटीऑक्सीडेंट, जिसका पीएच का मान कितना होता है फलों के, 4 से 5। अब लवक हमने 3 तरह के बताया, कौन कौन, क्लोरोप्लास्ट, वर्नी और अवर्नी। कौन ऐसा है जो फोटोसिंथेसिस करेगा, हरित। कौन ऐसा है जो पोलिनेशन का काम करेगा बताओ, वर्नी। कौन ऐसा है जो भंडारण का काम करेगा, अवर्नी। अगर स्टार्च का भंडारण करेगा तो एमाइलोप्लास्ट, प्रोटीन का करेगा तो एल्यूरोप्लास्ट, और वसा का करेगा तो एलायोप्लास्ट। ये कैसा होते हैं, डे न्यूट्रल प्लांट, क्योंकि इसका क्या खाओगे, फल। और इसमें स्व परागण होते हैं, किसमें, मटर में, टमाटर में, आलू में स्व परागण। और उसके बाद अगर हम बात करें तो इस क्या है, डीएनपी कौन है, टमाटर, बैगन, मिर्च, कुकर बीट, ये सब सारे, राजमा, कॉफी, कपास, सूरजमुखी, ये सब क्या है, डे न्यूट्रल प्लांट। ऑफन क्रॉस पोलिनेशन में बताया था भिंडी, बैगन, मिर्च और लीमा बीन, सही है। विटामिन ए और विटामिन बी का अच्छा, सॉरी, विटामिन ए और विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। अगर टिक करने का रहा तो विटामिन ए। अग्रणी उत्पादन में बोला जाए तो कौन है, आंध्र प्रदेश। देश की बात करें तो कौन है, चाइना। सबसे ज्यादा आलू कहाँ होता है, यूपी में। सबसे ज्यादा किस देश में, चाइना में। टमाटर के बीज में तेल की प्रतिशत पूछा जाए तो कितना है, 24%। पादप और जंतुओं में वसा की चर्चा किया था तो कौन सी वसा हमारे खाने योग्य है, पादप वाले। और ये वसाएं कैसी होती है, हार्ड। हार्ड का मतलब कठोर होता है, इसको पचाना क्या होता है, मुश्किल होते हैं। इसका अगर केमिकल बनाऊंगा तो सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं, इसमें कौन है, डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड वाले को संतृप्त कहते हैं, इधर कौन है, असंतृप्त वसा। कैसा है, असंतृप्त। टमाटर में पाया जाता है टोमाटीन, जो सबसे ज्यादा पाया जाता है किसमें, पत्तियों में। किसमें पाया जाता है, पत्तियों में। फलों में सुगंध किसके कारण होता है, सल्फोनियम के कारण। किसके कारण, सल्फोनियम। और टमाटर की अम्लता किसके कारण होते हैं, सिट्रिक एसिड। ये अब भी आया था प्रश्न, किसके कारण, सिट्रिक एसिड के कारण, ठीक है। अब सिट्रिक अम्ल, पुष्प क्रम क्या होता है, रेसिमोज, जो गुच्छे में लगते हैं उसको हम क्या बोलते हैं दोस्त, बेरी। ये कैसा है, क्लाइमेट्रिक, नॉन क्लाइमेट्रिक में याद रखेंगे कौन, खीरा, मिर्च और तरबूज। फूलों को गिरने से रोकने के लिए किसका उपयोग करोगे, 2,4-D का। किसका उपयोग करेंगे, बीज की उपज कितना होता है, 100 से 120। और एक ही याद रखना है, सॉल्ट रेसिस्टेंट जो है अपना रूट स्टॉक, उसका नाम है चेस मानी। क्या नाम है, चेस मानी। दो तरह के टमाटर के वृद्धि की बात करेंगे, एक का नाम है डिटर्मिनेट, जो खुले खेत में लगाते हैं। खुले खेत का मतलब होता है ओपन फील्ड। कौन सा फील्ड है बताओ, ओपन फील्ड में कौन सा वेराइटी लगाते हैं, ओपन फील्ड की बात करें तो वो कौन है, तो डिटर्मिनेट। और इसके अंतिम में यहाँ पे फ्लावर आ जाता है, टर्मिनल फ्लावर। इसको कौन सा फ्लावर बोलते हो, टर्मिनल। सबसे माथे पे फूल आ जाएंगे उसको हम बोलते हैं टर्मिनल। जबकि इन डिटर्मिनेट की बात करें तो ये कहाँ लगाया जाता है, अगर बड़े करके लगाऊं तो ये ग्रीन हाउस में। कहाँ लगाया जाता है, ये ग्रीन हाउस में लगाए जाते हैं। और इसमें क्या होता है, ट्रेनिंग होते हैं, और क्या होता है इसमें, प्रूनिंग होते हैं। और इसमें उत्पादन की बात करें तो डिटर्मिनेट से बहुत ज्यादा होगा, होगा ना, क्योंकि इसमें 3-4 बार आप तोड़ाई करोगे और फल आते रहेंगे, तो इसमें उत्पादन क्या होते हैं, ज्यादा। इसमें उत्पादन ज्यादा। तो ये हो गए आज की कहानी, मिलेंगे कल आपके साथ इसी वक्त, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसा लगा दोस्त, एक बार जरूर बताना, क्योंकि अभी तो मैं कमेंट्स भी नहीं देखा हूं। चले पंजाब छुहारा, कल आएगा रे पंजाब छुहारा। राजेश सर बंद करो, इसको भेजना सर को। मैसेज कर दूंगा दिनेश सर, अगर नहीं आएंगे तो फिर मत आना।